हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आर सी एम मेल क्लास क्लास 7। वी आर कंटिन्यू डिस्कस एक्सरसाइज 4.1। टुडे वी आर डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। देखिए, इक्वेशंस हम डिस्कस कर रहे थे, इससे पहले भी हमने कई टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें देखिए इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है, अपनी तरफ से हम वैल्यूज पुट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, कंटिन्यू। तो जिस केस में LHS और RHS इक्वल आ गया वो उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट वी पुट, वन से स्टार्ट करते हैं, वी पुट पुटिंग और इक्वल टू 1। जो वेरिएबल हमारे पास इसमें पी है, तो पी की वैल्यू 1 पुट करते हैं। फर्स्ट रैंडमली आप पुट करते जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। तो पी इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो पी मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 इक्वल टू 70, 5 प्लस 2 इक्वल टू 70, 7 इक्वल टू 70। क्या 7 इक्वल होता है क्या? नॉ, LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो इसका सॉल्यूशन p इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है, नो। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, इसी में पुट p इक्वल टू 2। अब 2 पुट करके देखते हैं इधर क्या है। p इक्वल टू 2 पुट करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 इक्वल टू 7, 5 को जैसे 10 प्लस 2 इक्वल टू 17, 10 प्लस 2 12 इक्वल टू 17। के 12 17 के इक्वल होते हैं क्या? नो, LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, पुट P इक्वल 3। 1 से स्टार्ट किया, 1 2 पुट करके देखो, 1 में भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा, 2 में भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा, 3 पुट करते हैं। तो इसको इस मेथड में ऐसे अप्लाई करना होगा क्योंकि ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, आपको खुद ही ट्राई करना है और कौन कौन सी एरर जिसमें आ रही है उसको आपको फाइंड करना है। तो मेथड ऐसे अप्लाई करेंगे, p इक्वल टू 3, देखिए p इक्वल टू 3, p की जगह आपको क्या पुट करना है, 3। तो 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 इक्वल टू 7, 5 3 जा 15 प्लस 2 इक्वल टू 17, 15 प्लस 2 17 इक्वल टू 17। इस केस में आ गया 17 इक्वल टू 17, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS आ गया हमारे पास। इट मीन्स p इक्वल टू 3 इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो। जिस केस में LHS और RHS इक्वल आ गए, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो वैल्यूज गिवन थी अगर वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है गिवन इक्वेशन को। अब गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कब करेगा, जब LHS इक्वल टू RHS हमारे पास आ जाए। तो इस केस में हमारे पास आ गया कि LHS इक्वल टू RHS, इट मीन्स p इक्वल टू 3 गिवन इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन। तो हम राइट कर रहे हैं, p इक्वल टू 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 7, दैट इज आंसर, ठीक है। तो इसी टाइप के जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के और भी पार्ट से क्वेश्चन होगी, तो आपको इसी मेथड से करना है। जो आपके पास इक्वेशन गिवन है, आप 1 से स्टार्ट करो, 1 पुट करके देखिए, 2 पुट करके देखिए, 3, 4, 5, 6, तो इसी मेथड का आपको अप्लाई करना है। जिस मेथड में हमारे पास LHS और RHS इक्वल आ जाएगा, वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा।